आपके क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है, या आपके क्या दलितों के साथ हो रहा है, बस वही देख के बंद नहीं करते हैं। क्या कनेक्शंस बन रहे हैं इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, हमारे शहर और गांव के बीच क्या रिश्ते बन रहे हैं, मर्द औरत के बीच क्या रिश्ते बन रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में हमारे वर्कर्स काम करते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो हमारे 90% हमारे इकोनॉमी का है, उसमें क्या रिलेशनशिप्स बनता है, ये सारी चीज को हमें देख के एक नए तरीके से ढांचा बनानी पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इनकम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, लेकिन तलवार लेके वो हमेशा हाजिर हो जाते हैं जब भी आरएसएस बीजेपी का कॉल आता है लोगों के लिए। ये क्यों हो रहा है? हमारे देश में आजकल जो हो रहा है ये तो सारे लोगों के सामने बहुत ही स्पर्श हो गया है। आजकल जीडीपी को देखें या हमारा लेबर कोड के आधार पे जो मजदूरों का हक इतने सालों से इतने वर्षों से हम लड़ के जीत के आए थे, वो हक भी हमसे छीन लिया गया। आज इंडिया पिछले 5 साल में ईज ऑफ बिजनेस की जो रैंकिंग होती है उसमें ऑलमोस्ट 50% उठ के आ गया है। ये ईज ऑफ बिजनेस होता क्या है? ये ईज ऑफ बिजनेस हमारे पूंजीवाद के लिए होती है, जो हमारे जो श्रम है उसको नीचे दिखा के आती है। हमारा स्ट्राइक करने का अधिकार को निकाल दिया गया है, हमारा न्यूनतम वेतन को निकाल दिया गया है, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे NEP ला के सर्टिफिकेट कोर्स ला के 18-19 वर्ष के जो नौजवान लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो ट्रेनिंग के हिसाब से अप्रेंटिस बोल के उनको लिया जाता है 15-20 हज़ार के सैलरी में, और एवरी 6 महीने उनको निकाल दिया जाता है काम से। तो अगर हमारे जो श्रमिक लोग हैं वो फैक्ट्रीज में 6 महीने के अधिकतम काम ना कर पाए, अगर 90% लोग हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के हिसाब से रह पाए, तो हमारे जो आंदोलन है वो हम कैसे आगे ले जाएंगे। ये बात बोलते हुए ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो शहर और गांव के बीच जो रिश्ता बना हुआ है वो कैसे अधिकतर खराब होती जा रही है। कोरोना के टाइम में हम देख पाए थे कि जो गांव से सारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, खेती बाड़ी है, उनको नीचे जाने के कारण जो लोग शहरों में आए थे नौकरी ढूंढने के कारण, उनको भी 15-20 साल शहर में रहने के बाद भी उनको इतना सारा सेविंग्स नहीं हो पाया कि वो अपने जिंदगी चला पाए, उनको गांव में वापस जाना पड़ा। सुइसाइड रेट भी हम देख रहे थे कैसे बढ़ रहा था, लोग मर रहे थे जिसका कोई गिनती नहीं हो रहा था, और ना ही उनके खुद के प्रदेश के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, ना ही केंद्र सरकार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। ये गाँव और शहर के बीच में जो अंतर और भी बढ़ रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड्स में नहीं बढ़ रहा है, सामाजिक अंतर भी बढ़ रहा है हमारे बीच में। जब हमारा मोदी सरकार आए थे चुनाव जीत के 2014 में, वो बोले थे कि हम एंटी करप्शन ग्राउंड और डेवलपमेंट के ग्राउंड में आए हैं, लेकिन 2019 तक ये बहुत आसान से हमारे सामने आ गया कि ना ही एंटी करप्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट हटाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बस हिंदी और हिंदुत्व इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज जो पहले हम फ्रिंज मानते थे समाज में, आरएसएस की कार्यकर्ता, बीएचपी के कार्यकर्ता जो सामाजिक दूरी बचाए रखते थे, वो आजकल सुप्रीम कोर्ट के बीच में केंद्र में आ गए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में आ गए हैं, और वो हमारे अधिनायक बन के बैठे हुए हैं। इन सारे चीजों में हमें पूछना चाहिए कि क्या लोग इसको नहीं देख रहे हैं, क्या लोगों की समझ नहीं है? लोगों की समझ है, लोग ये देख भी रहे हैं, लेकिन जनता के बीच इतना एक दूसरे के बीच भेदभाव बना दिया गया है, एक दूसरे के बीच अश्रृंखलता फैला दी गई है, मजबूर होने का जो एक यूनिटी है उसको नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें मजदूर होने का जो अधिकार और हक मिलता है एक फैक्ट्री में डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है उसका ही मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इस जगह में हम रहे हैं जहाँ पे बस धर्म और जात सामने आता है और बाकी कुछ सामने नहीं आता है। लोग हिंदी हिंदुत्व के लिए मरने के लिए भी राजी हो गए हैं आजकल, लोग उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इनकम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, लेकिन तलवार लेके वो हमेशा हाजिर हो जाते हैं जब भी आरएसएस बीजेपी का कॉल आता है लोगों के लिए। ये क्यों हो रहा है? हम लोग जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के हिस्से हैं या फिर हम लोग जो मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रहेगा हमें ये जो हमारे वर्कर्स है उनको दोबारा जाति धर्म के भेदभाव के जाल से बाहर निकल के सच मुद्दे पे लाने के लिए। हम अगर अपना इंटरनेशनल सिस्टम में भी देखें इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, हम देख रहे हैं कि अदानी इंडिया से लोग लेकर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिजिनस ग्रुप्स है उन पे परवर्तन करके उनकी जमीन छीन के वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग करके जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा इंडिया में आके बेच रहे हैं। तो ये पूरा जो इंटरनेशनल एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क सिर्फ हमारे देश के लोगों पे जल जंगल जमीन छीनने की बात नहीं है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जंगल छीनने की बात आ रही है। तो अभी आके हमें इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से यूनिटी बनानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक सवाल बनता रहता है। अगर फासीवादी के लिए हमें खिलाफ हमें डरना है तो सिर्फ हमें इंडिया में क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है या फिर क्या दलितों के साथ हो रहा है बस वही देख के बंद नहीं करते हैं। क्या कनेक्शंस बन रहा है इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, हमारे शहर और गांव के बीच क्या रिश्ते बन रहे हैं, मर्द औरत के बीच क्या रिश्ते बन रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में हमारे वर्कर्स काम करते हैं और जो इंफॉर्मल सेक्टर्स में जो हमारे 90% हमारे इकोनॉमी का है उसमें क्या रिलेशनशिप्स बनता है, ये सारी चीज़ को हमें देख के एक नए तरीके से ढांचा बनानी पड़ेगी। अगर हम देखें कि किस तरह से सरकार हमें अभी भी उल्टा सीधा घुमा रहा है, सवाल टाल रहा है और सच्चाई को दूसरी तरफ से दिखा रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि जीएसटी हो या फिर कोरोना के डेथ टोल्स हो या फिर हमारे जीडीपी ग्रोथ हो, सारे चीज़ का जो एक मेथडोलॉजी होती है कैलकुलेशन, ये मेथडोलॉजी पूरी अंदर से बदल दी गई है ताकि जो एक्चुअल सच्चा स्थिति है हमारे सामने वो किसी के सामने सच्ची में ना उतर के आए। जो भी इसका सवाल उठाता है, मजबूरों का भी जो क्रांति हुआ है अलग अलग तरीके पे, रेल पानी बिजली सारे चीज को प्राइवेटाइज किया गया है और उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी काफी जोर जबरदस्ती से हमारे आम जनता उतर के आए और उनके खिलाफ बात करके, लेकिन जब वो बात रखते हैं कोई भी चीज जो जनता बात रखती है जो हिंदुत्व के थोड़ा बाहर होता है जो हिंदुत्व को थोड़ा सा टक्कर देती है उसे हमारा सरकार और हमारा पेट्रियोटिज्म के अंदर हमारे जन विवाद भी बोल लेते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ हो, आप एंटी नेशनल हो, आप जनता को करप्ट हो, आपके पास फॉरेन इन्फ्लुएंस है, आप खुद नहीं सोच के ये किए हो, आपका खालिस्तान से पैसा आ रहा है, आपका कनाडा से पैसा आ रहा है। तो हर चीज जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मजबूर अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हक मांगने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो सारे चीज को एंटी नेशनल बोल के यूएपीए एनआईए के तहत उनको जेल में डाल देती है। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो लोन की सरकार है हमारी, पहले जो बात होती थी एक वेलफेयर सरकार बोल के हम बोलते थे जिसको क्रिटिसाइज भी करते थे हम काफी, आज तो वो वेलफेयर सरकार ही नहीं रहा। किसान की वेलफेयर स्कीम्स भूल जाइए, अभी किसान के लिए लोन्स चले आए, इसके मतलब ये है कि आपकी जो दुविधा है ये कॉर्पोरेट्स क्रिएट कर रही है और दुविधा के निकलने के लिए आप लोन बनाइए जिसपे आप इंटरेस्ट दीजिए और ये जो गरीबी की जो एक साइकिल है इसमें आप हमेशा फंस के रह जाइए, यही हमारा फ्यूचर बना के रख दिया है हमारे सरकार ने। दोस्तों 2020 पे जब महामारी की वजह से लोग मर रहे थे, बिना खाके सो रहे थे, नौकरी छूट रही थी, बस स्टेशन पर देख रहे थे कैसे जिंदा लाश बन के घूम रहे थे लोग, इस टाइम पे जो बजट्स थे हमारे अलग अलग योजनाओं के लिए उस बजट्स में 500 करोड़ रुपए का सेविंग्स किया गया। बजट में सेविंग्स करने का मतलब ये है कि जो पैसे रखे गए जन धन योजना या फिर अलग अलग योजना के लिए उसका इस्तेमाल
नहीं किया गया। हमें ये भी सवाल पूछनी चाहिए कि पहली बात तो आप हमें अपना अधिकार दे नहीं रहे हो, दूसरी बात तो जब भी आप एक तो योजना निकाल भी रहे हो उस योजना को भी आप पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे। उस योजना में भी 15% बजट जो योजना में जाते हैं वो सेविंग्स के हिसाब से रखा गया, मतलब 15% बजट जो हम आम जनता के उन्हें खर्च करने की जरूरत थी वो हम पे खर्च नहीं किया गया। तो आगे की रास्ता क्या होगा हमारे लिए? अगर हम देखें कि कोई भी राष्ट्रीय दल जो पहले जब वो उठे थे 1980-1990 के दशक में, राष्ट्रीय दल बोलते थे कि हम अपने राष्ट्रीय के लोगों के लिए अपना जो सेक्युलर डिमांड से, अपना जो फेडरल डिमांड से, इन चीज को आगे रखेंगे। लेकिन आज हम किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो उठा के देख ले, हिंदुत्व और हिंदी सबसे आगे आते हैं, वो किसी और भाषा किसी और शब्द दे देते हैं लेकिन राम नाम और हिंदुत्व नाम से ही उनका पॉलिटिक्स चलता है। कोर्ट्स में भी अगर हम देखें तो कोर्ट्स जिसे माना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वो देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा हमारे लोगों के लिए करेंगे, वो भी जितना भी हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से वो भी उम्मीद कम्प्लीटली टूट गई है, वो भी हौसला हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं रख सकते। तो अब हमारा जो लड़ाई है वो सीमित होके रह गई है सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में, जो आगे हमें नहीं ले जा सकते। हमें सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से निकल के आम जनता के बीच ये लड़ाई ले जानी पड़ेगी और आम जनता के अंदर ये जो धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव बढ़ रहा है उनके बीच जो अंतर बन रहे हैं, ये अंतर को मिटाने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है एज वर्कर्स उसको आगे रखना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा कि जो डिमांड्स किया गया था 1917-1919 साल में कि 8 घंटे का काम हो, लोगों को जिंदगी भर पेंशन मिले, लोगों जिन महिलाओं को बच्चे हो जाने के बाद भी नौकरी करने का रास्ता मिले, उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेश मिले, अगर कोई बीमार हो जाता है कार्यालय में तो उनको इलाज कार्यालय से मिले, ये सारा चीज जो एक साल 100 साल से भी पुराना डिमांड है वो 2022 में आके हम देख रहे हैं उनका आधा भी हमारे पास अभी नहीं है। जो भी हमारा एक उम्मीद था कि हम लेके जाएंगे और एक नया जमाना बदले बनाएंगे, ये जमाना बनाने पे एकदम जड़ों में हमारा सरकार आप उसको अटैक कर रहे हैं। कैसे जगह में अगर हम देखें एनईपी जो निकाल के आया, जो जूनियर स्कूल से लेके कॉलेज तक पूरा ढांचा एजुकेशन का बदल दे रहा है। एजुकेशन अब बस हमारा अधिकार और समाज बदलने की एक चारा नहीं रहेगा, एजुकेशन बन के रहेगा कॉर्पोरेट्स के पास आसान से ये जवान लड़का लड़की को भेजने के लिए जो 10-15 हजार में काम करने के लिए राजी इनफैक्ट मजबूर हो जाए। आज अगर जो 4 साल एग्जिट पॉलिसी भी हम देखते हैं एजुकेशन में ला गया है तो वहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करके स्किल डेवलपमेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट निकल के आ रहे हैं, वो लोग तो आसानी से पैसे बना लेंगे हमारी मजबूरियों का, लेकिन उसके बाद हमारा क्या फ्यूचर होगा? क्या हमारा जिंदगी का मकसद बस यही है कि हम पूंजीवादी के लिए पूरा जिंदगी दे रहे, हमारा शरीर दे रहे, हमारा मन दे रहे, हमारा सब कुछ दे रहे? ये हो नहीं सकता। इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट्स है दिल्ली में, जो एक्सीडेंट्स है 50 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं बस कुछ ही सालों में, और दिल्ली जो राष्ट्र कैपिटल है यहाँ पे अगर ये हो रहा है और फिर भी लोगों के नजरअंदाज हो रहे हैं इस चीज, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे कर्मचारी है उनके लिए दुनिया में रिस्पेक्ट कितना कम है, दुनिया में उनके लिए सोच विचार कितना कम है। इससे हार मान के पीछे हो जाना है मुमकिन नहीं है और ना ही हमें इससे हार मान के पीछे हो जाना है। तो हमारा जो हर कार्यालय हर गाँव में हर क्षेत्र में हमारा जंग जारी रहेगा, हमारा जो धरने हैं, हमारे प्रदर्शन है, हमारे डिबेट्स डिस्कशंस है,
सारे चीज पे ये दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा हमारे देशवासियों को कि देश हमसे ही बनती है, हमारे श्रम से बनती है, और हमें भूल जाने से ये देश को भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। ये बोल के मैं अपना वक्त खत्म करना चाहती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।